फतेहाबाद में आज भिवानी बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह ने नकल की रोकथाम के लिए शिक्षा केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षार्थियों की चेकिंग की और नकल के कई मामले भी पकड़े। अपनी इस कार्यवाही के दौरान चेयरमैन जगबीर सिंह ने राम सेवा समिति स्कूल से 3 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा जो कि किसी अन्य की जगह पर पेपर दे रहे थे। मीडिया से बात करते हुए जगबीर सिंह ने बताया कि फतेहाबाद में चेकिंग अभियान चलाया गया है। शिक्षा केंद्रों पर नकल को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में बोर्ड चेयरमैन की फ्लाइंग के द्वारा 90% नकल के मामले पकड़े जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के बाद इस पर आकलन किया जाएगा कि किस फ्लाइंग ने कितना काम किया है और जिस फ्लाइंग का काम अच्छा नहीं रहा उसे बदल दिया जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि 20 मई तक बोर्ड द्वारा जल्द दे दिए जाएंगे। श्री राम सेवा समिति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सेंटर ठीक से चल रहा है और प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, पुलिस फोर्स भी दी हुई है, तो एग्जाम अच्छे से हो रहे हैं और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट तो वैसे भी ठीक ही रिपोर्ट जा रही है। अब तक कितना सारी मीटिंग है, एनालिसिस भी होगा कि किसका किसने कितना काम किया और कैसे काम किया सर, तो वैसी प्लानिंग को बदल देंगे बाद में और क्या इलाज है। पिछले वो सेंटर को रद्द कर दिया और टीचर को रिलीव कर दिया और प्रशासन को लिख दिया वहाँ के, क्योंकि टीचर तो शिक्षा विभाग का है ना, बोर्ड का टीचर नहीं है सर। अभी शुरू भी होगी हमारी 20 मई तक आ जाएगा। वो मेरे बड़े भाई हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। तो पंचायत की अनुशंसा पर, डीसी मैडम की अनुशंसा पर बनाया गया कि भी पंचायत ने गारंटी ली कि हम नकल नहीं होने देंगे, तो ऐसी पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा जो नकल नहीं होने देंगे और जो पंचायतें नकल होने देंगी रूल 11 के तहत पंचायत को सस्पेंड भी किया जा सकता है।